हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिप्लोक्स ड्रॉप के बारे में, आई ड्रॉप के बारे में। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस प्रकार के प्रॉब्लम में किया जाता है दोस्तों, और कैसे लिया जाता है, इसका डोज क्या है। उससे पहले वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप नहीं करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ड्रॉप को कैसे लिया जाता है, या इस ड्रॉप को किन किन बीमारियों में लिया जाता है। अगर आँख में किसी भी प्रकार के दिक्कत हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है किसी भी प्रकार से, तो उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा आंसू चलता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का उपयोग करते हैं, जिससे पेशेंट को राहत मिलता है और ठीक हो जाता है। या इसके अलावा किसी व्यक्ति को चोट के कारण रेडनेस हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का उपयोग करते हैं। या और भी तरह तरह की परेशानियों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का आँख चुभ रहा है, गड़ रहा है, या आंसू बार बार चल रहा है, आँख बंद हो जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवा दिया जाता है। या इसके अलावा किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है आँख में, रोशनी दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक, तो उसमें भी ये दवा दिया जाता है। या इसके अलावा किसी व्यक्ति को आँख से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे मोतियाबिंब हो गया है, तो उस स्थिति में भी ये ड्रॉप दिया जाता है। या डॉक्टर लोग आँख के ऑपरेशन के बाद, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पेशेंट को राहत मिलता है और रिलैक्स मिलता है और प्रॉब्लम ठीक होता है दोस्तों। तो ये जो ड्रॉप है बहुत ही पुराना ड्रॉप है और बहुत ही सस्ता ड्रॉप है, और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। दोस्तों इस ड्रॉप की MRP की बात करें तो आपको 15 से 18 रुपया के बीच में आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों। और इस ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप जो है सिप्ला कंपनी का आता है, जो आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, और इसका जेनरिक नाम है सिफ्लोक्स, और इसके कॉम्बिनेशन होता है ओफ्लोक्सासिन। दोस्तों इस ड्रॉप को आप लेने की बात करें तो दो दो बूंद आप 3 टाइम ले सकते हैं, या दो दो बूंद करके 4-4 घंटा पे आप आँख में डाल सकते हैं। इस दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर और दो बूंद शाम, जिससे पेशेंट को राहत मिलता है और पेशेंट को जल्दी ठीक हो जाता है। या इसके अलावा किसी पेशेंट को जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी कण पड़ जाता है आँख में, तो चुभने लगता है और निकलता नहीं है, तो उसको भी निकालने के लिए या ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। या दोस्तों किसी वेल्डर का, जैसे वेल्डिंग करते टाइम लाइट लग जाता है, तो उस स्थिति में आंसू जो है बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे किसी भी प्रकार की आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जिक हो जाता है, जिससे आँख का कलर जो है रेड हो जाता है, बिल्कुल रेडनेस हो जाता है या धुंधला दिखाई देता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इस ड्रॉप से ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है और कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है दोस्तों। ये एक स्टेरॉइड है और बहुत ही अच्छा दवा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी इसी तरह के वीडियो आप सबको बीच आता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।